अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपने पूरे जीवन में सबसे खतरनाक टेस्ट मैच कौन सा देखा है तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब आपका जो भी हो मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका जवाब ज़रूर बदल जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे खतरनाक और जानलेवा टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे जो क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच बन गया और यह मुकाबला मात्र 56 मिनट तक ही चल पाया। उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। किसके बीच खेला गया था ये मैच और 56 मिनट में ऐसा क्या हुआ, इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। जनवरी 1998, इंग्लैंड को 6 टेस्ट और 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज़ के लिए वेस्टइंडीज़ दौरे पर जाना था। 29 जनवरी 1998, पहले टेस्ट मैच की सुबह, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। पहले ही टेस्ट मैच को इतिहास का सबसे खतरनाक मैच बोला गया। मुकाबला किंगस्टन के सवीना पार्क में खेला गया था जो जमैका में पड़ता है। वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रेन लारा और इंग्लैंड के कप्तान माइक अथरटन टॉस के लिए पहुंचे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और वहीं इंग्लैंड से पिच को समझने में गलती हो गई। वेस्टइंडीज़ के पास कॉटनी वॉल्स और कटली एम्ब्रूस जैसे खतरनाक तेज गेंदबाज थे। कप्तान ब्रायन लारा ने इन्हीं दोनों को शुरुआत में गेंदबाजी की कमान सौंप दी। पहले ओवर से ही पिच ने दोगलापन दिखाना शुरू कर दिया। वॉल्स और एम्ब्रूस ने अपनी तेज गेंदबाजी से इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को इतना परेशान कर दिया कि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मैच खेलें या अपना विकेट देकर चुपचाप पवेलियन में बैठकर मैच देखें। पिच में बहुत दरारें थीं जिससे गेंदबाजों को बहुत मदद मिल रही थी। कभी बॉल उम्मीद से नीचे रह जाती तो कभी अनइवन बाउंस हो जाती। दरारों में गेंद गिरकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बॉडी को निशाना बना रही थी। कभी गेंद बल्लेबाजों के ग्लव्स पर लगती तो कभी थाइस पर, कभी हाथों पर लगती। नतीजा यह हुआ कि बार बार गेंद लगने से फिजियो को मैदान में बुलाना पड़ रहा था। मात्र शुरुआती 56 मिनट के खेल में 6 बार इंग्लैंड के फिजियो को अपने खिलाड़ियों की चोट को ठीक करने के लिए मैदान पर आना पड़ा। पिच के खतरनाक रवैये के कारण आलम यह हुआ कि मुकाबले में शुरुआती 44 गेंदों में इंग्लैंड के बल्लेबाज केवल 9 रन ही बना पाए थे और उनके 3 विकेट गिर चुके थे। जैसे तैसे अगली 17 गेंद और फेंकी गईं, लेकिन बॉल फिर भी शरीर का पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैच के 11वें ओवर की पहली गेंद के बाद इंग्लैंड के कप्तान माइक अथरटन अंपायर के पास गए और पिच की शिकायत की। पिच की शिकायत के बाद दोनों अंपायर के बीच चर्चा होने लगी। दोनों अंपायर के बीच चर्चा होने के बाद उन्होंने मैच रेफरी से बात की। मैच रेफरी मैदान पर आ गए। मैदान पर आने के बाद उन्होंने दोनों कप्तान और दोनों अंपायर से बात की। चर्चा का सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा और फैसला यह हुआ कि इस मैच को रद्द करार दे दिया गया। सभी खिलाड़ी इससे सहमत दिखे और उस दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर जो गिरह आई थी वह टल गई। मैच ड्रॉ होने तक इंग्लैंड की टीम मात्र 10.1 ओवर में 70 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी थी और 6 से ज़्यादा बार खिलाड़ियों को चोट लग चुकी थी। इससे बुरी हालत और इंग्लैंड की क्या ही होती। सिर्फ 10 ओवर के खेल में ही अगर मैच को रद्द करना पड़ जाए तो उसे और क्या कहा जाएगा, सबसे खतरनाक मैच। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से आप लोगों के लिए खाली है। हम ऐसे ही क्रिकेट के और किस्से आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।